तो मैंने एक टेम्पररी हेलमेट खरीदा था पुणे से आते वक्त। हाय दिस इज शुभम एंड वेलकम टू ट्रैवलॉग्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में, ये है हेलमेट चिन स्ट्रैप माउंट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने कहाँ से लिया, कितने का लिया और क्या ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है इस ट्रेडिशनल एडहेसिव माउंट के लिए जो हम लोग यूजुअली यूज करते हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मली लोग हेलमेट पे कैमरा माउंट करने के लिए इस एडहेसिव माउंट का यूज करते हैं। मैंने भी जब पहली बार मेरे हेलमेट पे कैमरा माउंट किया था तो इसी का यूज किया था। अब मैं ये सेकेंड बार क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने जो मेरा हेलमेट है, मेरे पास स्टड्स का हेलमेट था, वो मैंने ट्रेन में घुमा दिया था, मैं भूल गया था ट्रेन में। अब ट्रेन में मैं हेलमेट क्यों लेके गया, लंबी स्टोरी है। फिर भी थोड़ा बहुत अगर आपको जानना है तो आप मेरा जो बीजापुर वाला वीडियो है वो देख सकते हो। तो इस एडहेसिव माउंट के पीछे जो है वो 3M टेप होता है स्टिक करने के लिए, बट बहुत से लोग सिर्फ इस 3M टेप के भरोसे नहीं रहते, क्योंकि उस पर आपका कैमरा लगा होता है, तो कुछ लोग उस पर फेविक्विक लगाते हैं। मैंने जो है पर्सनली उस पर एमसील लगाया था, और बहुत से लोग एमसील लगाते हैं, बट उसमें अच्छी खासी मेहनत लगती है। अगर आपको जानना है कि वो माउंट कैसे करते हैं तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो आप वो जाके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा। अब पॉइंट ये है कि मैंने ये क्यों बाई किया, ये इसके पीछे बाई करने की क्या वजह थी। मैं ऐसे सोच रहा था कि लॉकडाउन के बाद एक छोटा सा राइड प्लान करूंगा या कुछ भी छोटा सा रिकॉर्ड करूंगा। बहुत दिनों से मैंने मेरा एक्शन कैमरा भी यूज नहीं किया था, बट मेरा जो माउंट का सेटअप था वो मेरे हेलमेट के साथ ही चला गया, और अभी मेरे पास कोई अच्छा हेलमेट नहीं है। मैंने पुणे से आते वक्त एक वेगा का बेसिक हेलमेट लिया था, तो ये वो हेलमेट है। अब माउंट करने के लिए मैंने मेरे एस जे कैम का जो एक्सेसरीज बॉक्स है वो चेक किया कि उसमें एक्स्ट्रा एडहेसिव माउंट है क्या, तो उसमें मुझे दो एक्स्ट्रा एडहेसिव माउंट मिले, बट इस माउंट पे जो ये क्लिप लगता है वो मुझे नहीं मिला। इसके साथ कैमरा अटैच होता है, और उसके साथ ही आगे आपको और 3 क्लिप्स लगाने पड़ते हैं अगर आपके पास जे माउंट नहीं है, और एस जे कैम के साथ जे माउंट नहीं मिलता। सो ये ऐसे 3 क्लिप्स लगाने पड़ते हैं, और मेरे पास ऐसा एक ही क्लिप है, एक्चुअली ये दो है, पर जो एक है वो पूरी तरीके से टूटा हुआ है। सो, ये एक ही क्लिप मेरे पास पड़ा हुआ था, और एक क्लिप से जो है मैं इसको माउंट नहीं कर पाता प्रॉपर, जो है उसका एंगल नहीं आ पाता, तो मुझे ऐसे क्लिप्स भी लेने थे दो। या फिर दूसरा अल्टरनेटिव था, मैं एक जे माउंट ले लूं। जब मैंने जे माउंट ऑनलाइन सर्च किया तो मुझे 160 रुपीज के आसपास मिल रहा था, बट उसमें भी सीन ये था कि जो जे माउंट है वो इस एडहेसिव माउंट एस जे कैम का जो माउंट होता है उस पे कनेक्ट नहीं करता। ऐसे बहुत से कमेंट्स थे, सेलर्स के भी यही कमेंट थे, तो आपको अलग से एडहेसिव माउंट लेना पड़ेगा उस जे माउंट के लिए। अब मैंने जे माउंट के साथ एडहेसिव माउंट सर्च किया तो मुझे एक साथ मिला नहीं, उसमें भी कंफ्यूजन था कि अलग से अगर वो लिया और कनेक्ट भी नहीं हुआ तो और प्रॉब्लम। फिर मुझे एक और कॉम्बो मिला जो 350 रुपीज के आसपास था, उसमें दो एडहेसिव माउंट, दो क्लिप्स, दो स्क्रू और एक जे माउंट मिलता है, तो ये काफी अच्छा डील था, राइट। बट जब मैंने उसका एस्टिमेट डिलीवरी चेक किया तो वो 3 से 5 वीक बाद डिस्पैच होगा ऐसे वहां पर दिखाया गया था, तो मैंने सोचा कि अगर मैं अभी राइड प्लान करता हूं तो वो आता ना यार, इतना इंतजार होगा नहीं होगा। बट उसके साथ जो मेन रीजन था, मेरे पास जो अभी हेलमेट है, लाइक ये जो हेलमेट है ये टेम्पररी हेलमेट है, इसको मैं सिर्फ सिटी में यूज करता हूँ, और मैं जो है वो एडहेसिव माउंट फिर इस पे लगा के वेस्ट नहीं करना चाहता, बिकॉज मैं ये शायद आगे यूज ना करूं, मैं एक अच्छा हेलमेट लूं और उस पे फिर शायद माउंट करूंगा। सो सारे बहाने एक साथ ही मिल गए। फिर मुझे ये भी दिखा अमेजोन पे, और ये मैंने एक्चुअली बाइकर्स वर्ल्ड के इंस्टाग्राम पेज पे भी देखा हुआ था, और निखिल भी इसको यूज करता है, बहुत से लोग इसको यूज करते हैं। तो फिर इसका जो प्राइस था ऑनलाइन वो 930 रुपीज था, मुझे ये भी नहीं पता था कि इसका भी डिलीवरी कब आएगा, और बाइकर्स वर्ल्ड का जो लोकेशन है वो ठाणे में है, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं वहां पे ऑफलाइन जाके भी ले सकता हूँ। मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका ये था कि मुझे मेरे टेम्पररी हेलमेट पे जो परमानेंट माउंट है वो नहीं लगाना था, प्लस मुझे 350 रुपीज तो ऐसे भी जा रहे थे, और मुझे डिलीवरी जो है उस पर्टिकुलर माउंट सेट की वो भी जल्दी नहीं मिल रही थी। तो ये मैंने ऑनलाइन परचेज नहीं किया है, बाइकर्स वर्ल्ड का जो थाने में शॉप है मैं वहां पर गया था, और मैंने ऐसा सोचा कि मैं देखकर भी ले लूंगा, बिकॉज पहली बार ले रहा हूं, मुझे पर्सनली आइडिया नहीं था कि एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है। सो मैंने वहां पर विजिट किया और वहां पर जाके मैं ये लेके आया हूँ। प्राइस जो है वो ये मुझे 900 रुपीज में मिला, ऑनलाइन वो मुझे दिखा रहा था 930 रुपीज। प्राइस पता चल गया, मैंने ये कहाँ से लिया था वो भी पता चल गया। मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली इसको हेलमेट पे लगाते कैसा है। देखो इसके साथ है ना ऊपर ये दो क्लिप्स आते हैं और नीचे की ओर ये दो बैंड्स आते हैं। सो बेसिकली करना क्या है, ये जो पार्ट होगा ये ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, इसको अंदर से डालना है, और अंदर की ओर से ये जो एक साइड का पट्टी है वो पहले हुक में डालना है। देखो इसको यहाँ पर लॉक दिया हुआ है, और जो दूसरा पट्टी है उसको दूसरे क्लिप में डालना है, ठीक है।
एक बार बस उसको उसके ऊपर रखने के बाद आप जो है वो आपको जितना टाइट चाहिए वो उसको टाइट करवा सकते हो, ठीक है। सो मुझे अगर ये ज़्यादा टाइट चाहिए तो मैं बस इसको फिर लॉक कर सकता हूँ। ये वाला भी अगर मुझे और टाइट चाहिए तो इसको और खींच के ये टाइट कर सकता हूँ। और ये जो बचे हुए स्ट्रैप्स है आप इनको इसके अंदर डाल सकते हो। सो उसके बाद ये कुछ ऐसा दिखता है, फिटिंग जो है वो भी काफी प्रॉपर है, हिल नहीं रहा है जरा भी। बस एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि आपका जो वाइजर है ये यहाँ पर थोड़ा सा ओपन रह जाता है, बट ये कोई बड़ा इशू नहीं है, थोड़ा सा ही गैप होता है। अब हम इस पे हमारा कैमरा लगा सकते हैं डायरेक्टली, इस पे कोई भी एक्स्ट्रा क्लिप लगाने की जरूरत नहीं है। जे माउंट की एक खास बात ये भी है कि एंगल जो है वो आपको प्रॉपर स्ट्रेट मिल जाता है, राइट। तो आपको एक्स्ट्रा जो यहाँ पर क्लिप्स है वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। सो एक जे माउंट में ही आपका काम अच्छे से हो जाता है। अगर इसकी क्वालिटी की बात करेंगे तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो हार्ड प्लास्टिक है, उसके साथ ही उसके अंदर एक रबर वाला पार्ट दिया गया है ताकि हेलमेट पे स्क्रैचेस वगैरह ना आए। और ये जो बेल्ट्स है वो भी अच्छे क्वालिटी के है, मतलब टूटेंगे नहीं इतने आसानी से, बट फिर भी अगर ओवरऑल क्वालिटी देखेंगे तो इतना कुछ खास नहीं है, बट नई चीज है अगर मैं कहूंगा प्राइस के हिसाब से तो ठीक ठाक है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या मुझे ये चीज लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। देखो अगर मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास ऑलरेडी अधेसिव माउंट है और आप एक ही हेलमेट है जो हमेशा यूज करते हो तो आपको इसमें इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसको प्रॉपर एमसील वगैरह लगा के प्रॉपर फिट कर सकते हो। इसको लेने का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अगर आपको थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंस चाहिए, यानी आपको अगर चाहिए कि मुझे हर बार मेरे हेलमेट पे ये नहीं लगाना है, राइट, अगर आप माउंट वहां पे स्टिक कर देते हो तो हमेशा के लिए वहां पर रहता है, आप इसे जब चाहिए तब लगा सकते हो, जब चाहिए तब निकाल सकते हो। सो ये एक काफी पॉजिटिव पॉइंट है उसका। मेरे लिए भी मेन पॉइंट यही था कि मैं जब नया हेलमेट लूंगा तो अगर मुझे यहां से निकाल के वहां पर लगाना है तो वो मैं इजीली लगा पाऊंगा। और अगर आपको उस एमसील वगैरह के झंझट में नहीं पड़ना है, सिर्फ 3M टेप पे कभी अपना कैमरा जो है रिस्क मत लेना, सो फिर आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हो, आपका काम जो है वो अच्छे से हो जाएगा। मैंने भी ऑब्वियसली कुछ सोच कर ही लिया है। और इसके साथ ही मेरे पास एक और ऑप्शन था, 1300 रुपीज के आसपास मुझे पूरा माउंट्स का सेट मिल रहा था अमेजोन पे, बट नई चीज ट्राई करनी थी, ये भी एक रीजन था। और मैंने पर्सनली जाके विजिट किया और फिर देखा एग्जैक्टली वो कैसे लगता है और फिर परचेज किया है। सो बस इस वीडियो में इतना ही, मुझे लगता है कि आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि अगर आपको ये लेना है तो क्यों लेना है और अगर नहीं लेना तो क्यों नहीं लेना। अगर आपके कुछ भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, और उसके साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और हाँ, थैंक यू सो मच 7000 सब्सक्राइबर्स के लिए, बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मोस्टली ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ मैं। और हाँ, अगर आपको देखना है कि हेलमेट पे माउंट कैसे करते हैं एमसील लगा के, तो मैंने उसका वीडियो ऑलरेडी बनाया है, लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप ट्रैवलिंग एंड डू रिमेंबर, डू वॉट यू लव, लव वॉट यू डू। ऑल्टरनेटिव हो सकता है हमारा जो ट्रेडिशनल ये है हेलमेट चेन स्ट्रैप माउंट छेंचा, तो मैंने एक टेम्पररी हेलमेट खरीदा था पुणे से आते वक्त।